हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 12.2 पे हैं और कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 से देखते हैं। दिया हुआ है 5 का पावर 2n-1 इज डिविजिबल बाय 24 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलिए देखते हैं इसको। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं लेट एफ एन इक्वल टू में आपके पास दिया हुआ है 5 का पावर 2n-1 है ना दिया जी। चलिए अच्छा, अब इसके बाद सपोज कर लेते हैं कि ये एक स्टेटमेंट है पी एन जो कि है एफ एन इक्वल टू में 5 का पावर 2n-1 इज डिविजिबल बाई 24 ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा स्टेप फर्स्ट क्या होगा। स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे कि वेन एन इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 रखेंगे तो f 1 इक्वल टू हो जाएगा 5 का पावर 2 × 1-1 यानी 5 का पावर 2 - 1 यानी 24 आएगा। और 24 डिविजिबल है ना जी 24 से, तो लिख सकते हैं इज डिविजिबल बाई 24। ये 24 से डिविजिबल है तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया कि नहीं। देयरफॉर 1 पर जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड स्टेप पे। स्टेप टू में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ले लेते हैं कि लेट पी एम बी ट्रू। अच्छा, पी एम बी ट्रू होने का मतलब यह है कि ये जो आपका ये फंक्शन के फॉर्म में स्टेटमेंट जो देख रहे हैं पी एम हो जाएगा यहाँ पे, यानी एफ एम इक्वल टू हो जाएगा 5 का पावर 2m-1 इज डिविजिबल बाई 24 है ना। चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जब ये 24 से डिविजिबल है तो इसे हम लोग 24 के इक्वल कर लेते हैं और लिख देते हैं कि वेयर के इज एन इंटीजर। ये के क्या है, इंटीजर है, यानी 24 के मल्टीपल होगा तभी ना 24 से डिविजिबल है। अच्छा, यहाँ से हम लोग एक और लिख सकते हैं, हम लोग एक वैल्यू यहाँ पे 5 का पावर 2m का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आके इसमें प्लस हो जाएगा 24k+1। इसका हम लोग आगे यूज़ करने वाले हैं इसलिए हमने ये ले लिया। अच्छा, अब स्टेप इसमें हमें क्या करना होगा, क्या प्रूव करना होगा स्टेप टू में, तो टू प्रूव pm+1 इज ट्रू, यानी कि दैट इज fm+1 इज डिविजिबल बाई 24। ये हमें यहाँ पर दिखाना होगा है ना जी। तो चलिए, तो एफ एम प्लस वन को लेते हैं, यानी हो जाएगा 5 का पावर 2 × m+1-1 5 का पावर 2m+2-1। अब इसके बाद देखिए 5 का पावर 2m × 5 का पावर 2 - 1 5 का पावर 2m का वैल्यू इसको रख सकते हैं 24k+1 × 25-1। आगे देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 24k × 25+25-1 24k × 25+24 24 यहाँ से कॉमन कर लेंगे, k+1 25k+1 तो ये आपको दिख रहा है कि 24 से डिविजिबल है। लिख सकते हैं कि विच इज डिविजिबल बाई 24। तो ये 24 से डिविजिबल हो गया, हमने यहाँ पे ये दिखा दिया। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस पी एम प्लस वन इज ट्रू वेन एवर पी एम इज ट्रू। पी एम के ट्रू होने पर पी एम प्लस वन ट्रू हो जा रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाई प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन या मैथमेटिकल इंडक्शन इट फॉलोज दैट पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ठीक है।
चलिए 20 नंबर देखते हैं, यहाँ पे दिखा ना कि 3 का पावर 2m प्लस 7 इज डिविजिबल बाय 8 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं लेट एफ एन इक्वल टू में 3 का पावर 2n प्लस का 7। तो हम इसके बाद फिर से सपोज कर सकते हैं कि ये एक स्टेटमेंट है एफ एन इक्वल टू में 3 का पावर 2n प्लस 7 इज डिविजिबल बाई 8। ठीक है, ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं। चलिए अब हमारा स्टेप फर्स्ट क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे व्हेन n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 पर f 1 देखिए क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस का 7 है ना। तो देखिए 3 का स्क्वायर क्या है जी, 9 और प्लस का 7 यानी 16, और 16 डिविजिबल है ना जी 8 से, इज डिविजिबल बाई 8। ये 8 से आपका डिविजिबल हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर P1 इज ट्रू, 1 पे स्टेटमेंट ट्रू हो जा रहा है। अब स्टेप सेकंड देखते हैं, स्टेप सेकंड में देखते हैं यहाँ पर, तो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या लेंगे, लेट PM be true, यानी आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, इसका मतलब यही ना हुआ जी कि आपका FM जो होगा FM इक्वल टू में इसमें रख देंगे 3 का पावर 2m प्लस 7 इज डिविजिबल बाई 8। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमें क्या प्रूव करना होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं, अच्छा इसमें एक और चीज़ लिख सकते हैं, ये 8 से जब डिविजिबल है तो ये इक्वल है 8 के वेयर k इज एन इंटीजर है ना। तो यहाँ से हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसे आगे यूज करना होगा मैं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ 3 का पावर 2m इक्वल टू में 8k माइनस 7 हो जाएगा ना। चलिए अब हमें क्या प्रूव करना होगा, टू प्रूव pm प्लस 1 इज ट्रू, ये हमें प्रूव करना है, यानी आप लिख सकते हैं इसका मतलब यही ना होगा कि हमें एफ एम प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 8, हमें यही प्रूव करना होगा। चलिए तो अब हम लोग इसको दिखाते हैं कि ये 8 से डिविजिबल, यानी कि एफ एम प्लस 1 यानी हो जाएगा 3 का पावर 2 इंटू में एम प्लस 1 प्लस का 7, यानी कि 3 का पावर 2m इंटू में 3 का पावर 2 हो जाएगा और प्लस 7, 3 का पावर 2m क्या वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 8k माइनस 7 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस में 7। चलिए तो अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 ना, तो आ जाएगा 8k इंटू 9 और माइनस का ये देखिए 3 का स्क्वायर 9 7 जो 63 और प्लस का 7, यानी आ जाएगा 8k इंटू 9 माइनस का ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा 56। 8 कॉमन कर लेते हैं, 9k और माइनस का 7, तो ये 8 से 8 का देख रहे हैं ना जी, लिख सकते हैं कि विच इज डिविजिबल बाई 8। 8 से ये डिविजिबल दिख रहा है आपको ना, तो ये 8 से जब डिविजिबल दिख रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि hence PM plus 1 is true whenever PM is true, लिख सकते हैं by principle of induction it follows that PN is true for all n belongs to natural number, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर, यहाँ पे हमें इसे दिखाना है कि डिविजिबल है 576 फॉर ऑल n belongs to natural number। तो चलिए हम लोग इसके लिए लेते हैं लेट एफ एन इक्वल टू में यहाँ पे है 5 का पावर 2n प्लस 2 माइनस का 24n माइनस का 25। तो आप इसे एक काम करो, यहाँ पर ऐसे लिख दो एफ एन इक्वल टू में इसे 5 स्क्वायर का पावर n प्लस 1 कर देते हैं माइनस 24n माइनस 25,
एफ एन इक्वल टू में यहाँ पे हो जाएगा 25 का पावर एन प्लस वन माइनस 24 एन माइनस का 25। अब इसके बाद हम लोग ले लेते हैं कि लेट जो आपका ये स्टेटमेंट दिया है पी एन, वो एफ एन इक्वल टू में है 25 का पावर एन प्लस वन माइनस का 24 एन माइनस का 25 इज डिविजिबल बाई 576, है ना। ऐसा हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए तो अब हम लोग पहला स्टेप लेते हैं। स्टेप फर्स्ट, व्हेन एन इक्वल टू में वन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ वन आपका क्या हो जाएगा 25 का पावर 1 प्लस 1 माइनस 24 इंटू में 1 माइनस 25। तो अब इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा 25 का पावर 2 माइनस 24 माइनस 25 यानी आ जाएगा यहाँ पर 576। तो 576 तो डिविजिबल है ना जी, 576 से डिविजिबल बाई 576, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, देयरफॉर पी वन इज ट्रू, ये वन पे स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में हमें क्या करना होगा, लेट सपोज कर लेना होगा कि पी के पी एम ही लिखते चलते हैं, पी एम बी ट्रू, पी एम बी ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका एफ एम पे जो होगा फंक्शन, ये जो आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ है 25 का पावर m प्लस 1 माइनस 24 m माइनस 25 इज डिविजिबल बाई 576। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसे आगे देखते हैं। चलिए अब इसके बाद जब ये 576 से डिविजिबल है तो 25 का पावर m प्लस 1 माइनस 24 m माइनस 25 इक्वल टू में हम लोग ले लेते हैं 576 के, है ना जी, क्योंकि वो 576 से डिविजिबल है। वेयर k इज एन इंटीजर, k क्या है आपके पास इंटीजर है। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो हम लोग यहाँ पे टू प्रूव करने वाले हैं, टू प्रूव आपका क्या प्रूव करना है जी, पी एम प्लस वन इज ट्रू यानी डेट इज हमें दिखाना होगा कि एफ एम प्लस वन इज डिविजिबल बाई 576, है ना, ये हमें यहाँ पे दिखाना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एफ एम प्लस वन निकालते हैं, यानी हम लोग किस में रख देंगे जी, एफ एम, एम की जगह एम प्लस वन रख देंगे, तो आ जाएगा 25 का पावर एम प्लस वन तो टू हो जाएगा, और माइनस 24 इंटू में एम प्लस वन और माइनस 25। चलिए आगे अब इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 25 का पावर एम प्लस वन इंटू में 25 कर देते हैं और माइनस 24 एम माइनस का 24 माइनस का 25। अब देखिए इसके जगह पे 25 का पावर एम प्लस वन की जगह पे यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 576 के प्लस का 24 एम प्लस का 25 इंटू में 25 माइनस का 25 24 एम और माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सॉल्व करने पर, चलिए देखते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू में 576 के इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 24 एम और ये 25 है, तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 25 600 m प्लस का 625 माइनस 24 एम माइनस का 49। चलिए आगे देखते हैं 25 इंटू में 576 के प्लस का यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 576 एम और प्लस का 576, ठीक है, इसमें सेपरेट कर दिया। अब इसके बाद हम लोग 576 ही कॉमन कर लेते हैं, तो आ जाएगा यहाँ पर 25 के प्लस का एम प्लस का 1 विच इज डिविजिबल बाई 576। तो हम लिख सकते हैं कि हेंस पी एम प्लस वन इज ट्रू व्हेनेवर पी एम इज ट्रू। पी एम के ट्रू होने से पी एम प्लस वन ट्रू हो जा रहा है, तो लिख सकते हैं बाई द
प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं, इट फॉलोज दैट पी एन इज ट्रू एट एन फॉर ऑल, ऐसे नहीं लिखते फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यहाँ हमें इसे दिखाना कि एट से डिवीजन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। चलिए देखते हैं, लेट एफ एन इक्वल टू में थ्री का पावर टू एन प्लस टू माइनस का एट एन माइनस एन, ठीक है। अब ले लेते हैं, लेट ये आपका एक स्टेटमेंट पी एन है जो कि दिया है एफ एन इक्वल टू में थ्री का पावर टू एन प्लस टू माइनस का एट एन माइनस नाइन इज डिविजिबल बाई एट, ठीक है। एट से डिविजिबल है ऐसा हमने यहाँ पे लिख दिया है ना, जैसे सपोज के लिए आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब इसके बाद देखिए स्टेप फर्स्ट में, व्हेन एन इक्वल टू वन एफ वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, थ्री का पावर टू इंटू वन प्लस टू माइनस का एट इंटू वन माइनस नाइन। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, थ्री का पावर फोर 81 हो जाएगा माइनस का एट माइनस का नाइन, तो एट और नाइन यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों ऐड कर लेते हैं तो आपका 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 आ जाएगा यहाँ पे, और 64 इज डिविजिबल बाई 8, 8 से डिविजिबल है। अब आपका स्टेप टू ये यहाँ लिख सकते हैं, देयरफॉर P1 इज ट्रू। अब इसके बाद आपका स्टेप सेकेंड लेते हैं, ना लेट पी एम बी ट्रू। अच्छा पी एम ट्रू होने का मतलब यह है कि यहाँ पर हमारा एफ एम जो होगा यानी कि थ्री का पावर टू एम प्लस टू माइनस का एट एम माइनस नाइन इज डिविजिबल बाई एट। यानी कहने का मतलब है कि ये एट का मल्टीपल हो जाएगा एट के, वेयर k इज एन इंटीजर, k क्या है कोई इंटीजर है। चलिए अब लिखेंगे टू प्रूव पी एम प्लस वन इज ट्रू। अच्छा जब पी एम प्लस वन ट्रू दिखाना होगा यानी डेट इज आप लिख सकते हैं कि एफ एम प्लस वन इज डिविजिबल बाई एट, हमें यही दिखाना होगा। यानी अब चलिए उसमें रखते हैं एफ एम प्लस वन थ्री का पावर टू इंटू एम प्लस वन प्लस टू माइनस का एट इंटू में एम प्लस वन माइनस का नाइन। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, थ्री का पावर टू एम प्लस टू और इंटू में थ्री का स्क्वायर ऐसे कर लेते हैं माइनस का एट एम माइनस का एट माइनस का नाइन। अब इसके प्लेस पर यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका एट के प्लस का एट एम माइनस का है तो प्लस का नाइन और यहाँ पर थ्री का स्क्वायर ये नाइन हो जाएगा माइनस का एट एम माइनस एट माइनस का नाइन। अब इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 72 एम प्लस 81 माइनस का एट एम माइनस का 17, ठीक है। चलिए ये आपका ऐसे रहेगा 72k, यहाँ पे इसको में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 72 में से ये आप 8 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 64m प्लस का 64। यहाँ से हम लोग 8 कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9k प्लस का 8m प्लस का 8। यहाँ पे लिख सकते हैं दिख रहा है कि विच इज डिविजिबल बाई एट, ये 8 से डिविजिबल हमें यहाँ दिख रहा है तो यही ना हमें दिखाना था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस पी एम प्लस वन इज ट्रू व्हेनेवर पी एम इज ट्रू, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन,
इट फॉलोज दैट पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ गए? तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है अपने पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशंस। चलिए तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कॉमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।